मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की वजह से हो रही मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। अब तक मुजफ्फरपुर में 128 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बिहार और केंद्र सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ रहा है। बिहार की नीतीश सरकार ने पहली बार चमकी बुखार के संबंध में कार्रवाई की है। बिहार सरकार ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भीमसेन कुमार को निलंबित कर दिया है। उन्हें कार्यस्थल पर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। साथ ही प्रशासन का कहना है कि तैनाती के बाद भी बच्चों की मौत के मामले सामने आए और हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार से लगातार बच्चों की मौत हो रही है और अब ये आंकड़ा 128 तक पहुँच गया है। ऐसे में बिहार से जुड़े एक्टर पंकज त्रिपाठी ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। पंकज ने लिखा है कि मुजफ्फरपुर की घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। बहुत विचलित महसूस कर रहा हूं। समझ नहीं आता कि किस किस को दोष दें। एक देश, एक राज्य, एक समाज और एक व्यक्ति, हर स्तर पर हमारी असफलता है। ये हम किस सदी में जी रहे हैं? सरकार, अधिकारी, सिस्टम, समाज, आप और हम सबको माफी मांगनी चाहिए बच्चों से। मॉनसून समूचे राज्य में पहुंच गया है। मौसम केंद्र के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। पटना मौसम केंद्र के मुताबिक बिहार के उत्तर पूर्व जिलों में मॉनसून ने शुक्रवार को दस्तक दी थी और ये शनिवार को समूचे राज्य में पहुंच गया। राज्य में विभिन्न शहरों और कस्बों में अच्छी बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया। इस साल जून की शुरुआत से ही पटना और इसके आसपास के इलाके लू का सामना कर रहे हैं। मौसम केंद्र के अधिकारी ने बताया कि पटना में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 33 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 32.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर आ रही है। बक्सर में 16 पुलिस जवानों पर गाज गिरी है। डीजीपी के दौरे के दौरान लापरवाही का मामला सामने आने पर कार्रवाई की गई है। डीजीपी ने डुमराव, एसएचओ सहित सभी जवान और अधिकारी को सस्पेंड किया और नए लोगों को तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि डीजीपी ने इन जवानों पर तुरंत कार्रवाई कर दी। डीजीपी ने कहा कि अगले आदेश तक ये सभी जवान सस्पेंड किए जा रहे हैं। सभी जवान को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। उन्होंने तुरंत आदेश देते हुए नए लोगों को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। राजधानी पटना में कोचिंग संचालकों पर जिला प्रशासन फिर से सख्त रुख दिखाने जा रहा है। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग शनिवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने की। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों से शपथ पत्र प्राप्त कर लें। कोचिंग संस्थान के संचालक शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है। हमारा कोचिंग संस्थान मानक सुरक्षा व्यवस्था के अनुकूल है तथा सभी शर्तों के अनुरूप है। बाद में जांच के क्रम में अगर त्रुटि पाई जाती है तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।